अब फ्रेंड्स हम देखते हैं एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट किस तरह से निकालते हैं। लेट ए बराबर ए आई जे बी एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज डिफाइन एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे। यानी ए आई जे यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए आई जे हमारे पास कोफैक्टर्स हैं फ्रेंड्स। जैसे हमने पहले पढ़ा था ये ए आई जे इस तरह से निकाले जाते हैं, ये ए आई जे बराबर डिफाइन होता है माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे एंड एम आई जे। एम आई जे निकालने के लिए एम आई जे बेसिकली हमारे पास माइनस होते हैं, और माइनस निकालने के लिए सिंपली सपोज जैसे ए वन वन का निकालना है हमें, तो इस रो को सॉरी इस कॉलम को ए वन वन वाले कॉलम को और ए वन वन वाले रो को जो डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स बचता है उसका डिटर्मिनेंट माइनस होता है। जैसे सपोज हमें ए टू टू का निकालना होता यहाँ पे, तो ए टू टू को निकालने के लिए इस रो को और इस कॉलम को इनको डिलीट करते हैं हम, इनको डिलीट करने के बाद क्या क्या बचता है, ए वन वन ए थ्री वन ए वन थ्री ए थ्री थ्री, जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास माइनस हो जाएगा। माइनस पे माइनस में हमें माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे का मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हमारे पास कोफैक्टर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स कोफैक्टर जब हमारे पास आ जाएंगे तो वो इस तरह से आएंगे कि कोफैक्टर जो होगा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री। अब जो मैट्रिक्स बनेगा इनका, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए वन वन जैसे ट्रांसपोज निकालने के लिए हम पहले भी बता चुके हैं कि जो रो होती है उसे कॉलम में चेंज कर देते हैं हम बेसिकली। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट रो थी, ये इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया यहाँ। इस तरह सेकंड रो थी उसको सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, थर्ड जो रो थी उसको थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास ये जो नया मैट्रिक्स बन के आता है ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक नोट है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड इट्स एडजॉइंट इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए और उसके अगर हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालें तो वो मैट्रिक्स जो होता है वो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है मल्टीप्लाई बाई इट्स एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो जैसे एडजॉइंट ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर मोड ए, यानी जो डिटर्मिनेंट होता है वो, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी बेसिकली हम कह सकते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो अगर इसका पूरे का मोड निकालें डिटर्मिनेंट निकालना चाहें एडजॉइंट ए और ए का, तो वो जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा।